कि आजाद भारत के बाद देश की और प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने देश में नफरत का और घृणा का वातावरण कर दिया। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज अधिकतम महंगाई है, अधिकतम बेरोजगारी है। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थक को देखकर बौखलाई बीजेपी। निशंक जैन ने कई भाजपाइयों ने दी कांग्रेस की सदस्य। विदिशा के पठारी में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा को नागरिकों से भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिसे देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जिसके चलते ऊर्जावान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में केस बनाए जा रहे हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निशंक जैन ने त्वेधा के पठारी आ रही भारत जोड़ो उप यात्रा में कही। वही यात्रा के जिला प्रभारी राकेश कटारे ने भी संबोधित किया। यात्रा में त्वेधा के पठारी तक भारत जोड़ो उप यात्रा का नागरिकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत और भारी समर्थन मिला। इस दौरान राकेश कटारे, निशंक जैन, बहादुर सिंह ठाकुर आदि कांग्रेस परिवार के सभी संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेली की रिपोर्ट। सर, भारत जोड़ो यात्रा देश के कोने कोने में निकाली जा रही है, तो आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आजाद भारत के बाद देश की और प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने देश में नफरत का और घृणा का वातावरण कर दिया है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। आज अधिकतम महंगाई है, अधिकतम बेरोजगारी है। इन सब को लेकर राहुल जी ने यात्रा निकाली और कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में उप यात्राएँ निकल रही हैं। और उत्साह आप लोगों ने भी देखा, पूरे त्यौंदा से और पठारी तक 22 किलोमीटर के रास्ते में कितना ज़बरदस्त उत्साह गांव के गांव सड़क पर खड़े होकर यात्रियों का सभी तरह से सम्मान कर रहे थे। इससे लगता है कि अब आम आदमी महंगाई की चाहता है कि महंगाई से मुक्ति हो, बेरोजगारी से मुक्ति हो। किसान अपनी उपज का मूल्य चाहता है। इन्हीं सब बातों के लेकर आज भारत यात्रा उप यात्रा त्यौंदा से पठारी के बीच निकाली गई है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा से क्या दोबारा संजीवनी मिलेगी कांग्रेस को? संजीवनी की जैसी कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जोड़ो पदयात्रा के माध्यम से। कोई व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हमारे सभी बेरोजगारों की, जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक बुकल बजा रहे हैं, बेरोजगारों की, किसान भाइयों की, भ्रष्टाचार की, इन तमाम बातों को लेकर देश हित की लड़ाई है। और संजीवनी जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस आने वाले 23 में मध्य प्रदेश में और 24 में भारत में सरकार बनाएगी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आगामी विधानसभा में कांग्रेस के पास क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी? आप बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे की बात जहाँ तक करें, कौन सा मुद्दा नहीं है, वही बात बार बार, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज हाल ही में पठारी के क्षेत्र के किसान भाइयों से पूछें, खाद जैसी परेशानी किसान भाइयों को जा रही है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चाहे किसी भी विभाग में चले जाएं, वहाँ आपको वो संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, और भी तमाम व्यापारी वर्ग परेशान हैं, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी तमाम बातें। एक मुद्दा नहीं है, मुद्दों की तो लाइन है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस सारे मुद्दों को लेकर मैदान में आ चुकी है, आएगी नहीं। कांग्रेस का चुनाव का बिगुल बज चुका है।